जैसे कि आप सब जानते हैं कि दो दिन पहले मैंने आई स्टैंड विद फिलिस्तीन के नाम से एक कैंपेन स्टार्ट की है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से काफी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। यार पाकिस्तान में रह के ये कहना कि हम फिलिस्तीन जाने के लिए तैयार हैं, जिहाद करने के लिए तैयार हैं, तो ये बेतुकी बातें हैं, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे नेबर कंट्रीज हैं, एक कोई भी हमें जाने के लिए पास वे नहीं देगा, क्योंकि उनके जमीर मर चुके हैं। सेकेंड ऑफ ऑल ऐसा एक काम ही है पीछे जिसके थ्रू हम उधर होने वाले जो काम है उनको थोड़ा बहुत रोक सकते हैं, और वो चीज क्या है मैं आपको बताता हूँ। दुनिया की काफी ऐसी कंपनीज हैं जो वर्ल्ड वाइड जानी जाती हैं और वो खुला सरेआम इसराइल को सपोर्ट कर रही हैं और इसराइल को फंड कर रही हैं रफा में और फिलिस्तीन के ऊपर होने वाले कामों में। उनमें से दो तीन कंपनीज ऐसी भी हैं जो पाकिस्तान में भी फुल अरूज पे हैं। हम क्या कर सकते हैं कि हम उनका बायकॉट कर सकते हैं। बायकॉट क्या कि एक दो दिन का नहीं, जो काम हम कर सकते हैं वो करने के लिए तुम तैयार नहीं हो रहे, तुम अपने पेट की भूख नहीं मार पा रहे और तुम बोरे में फिलिस्तीन जाना चाहते हो। यार कैसे काम कर रहे हो, इन चीजों की कुर्बानी दो, ये चीजें तुम्हें इस्लाम से आगे नहीं है। पहली कंपनी जो फिलिस्तीन का साथ दे रही है वो है नेस्ले, और आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में ज्यादातर गर्मी में नेस्ले जूस बहुत यूज किए जाते हैं, खासकर गर्मियों में। तो ट्राई करें कि इनका बायकॉट करें ताकि इनकी कुछ रेवेन्यू जो है वो पाकिस्तान से कम हो, और ये कुछ शर्म करके कुछ हया करके इस चीज से अपने आप को बाहर निकालें। सेकंड और थर्ड नंबर पे भी दो बड़ी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान से काफी रेवेन्यू लेके फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रही हैं रफावे होने वाले कामों में, और वो हैं कोका कोला और पेप्सी। ये दो कंपनियां भी उनके साथ ही हैं। ट्राई करें कि ये जो सीजन चल रहा है इसमें तो इनकी बहुत खरीदो फरोख्त की जा रही है पाकिस्तान में, इसकी कुर्बानी दें, इनको दिखाएं कि यार हमें फिलिस्तीन से आगे तुम्हारी ड्रिंक्स नहीं है। ये इनके मुंह के ऊपर एक ऐसा थप्पड़ होगा जो ये जिंदगी भर याद रखेंगे। बाकी कुछ लोग बोल रहे थे कि पाकिस्तान फोर्सेस फिलिस्तीन में क्यों नहीं जा रहे। वेल उसकी मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो कल बना के आप लोग को दे दूंगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान फोर्सेस जो है अगर वो जाती है फिलिस्तीन में तो पीछे पाकिस्तान फिलिस्तीन से कम नहीं रहेगा। बाकी मेरी इस वीडियो को आप लोग बेशक शेयर न करें, लेकिन अपने मोहल्ले में अपने जानने वाले में इन तीन कंपनीज का लाजमी बता दें कि ये पाकिस्तान में रह के ये काम कर दिए। आने वाले वक्त में मैं आपको और भी बहुत सारी कंपनीज का बताऊंगा जो पाकिस्तान के पैसे पे, पाकिस्तान की आवाम के पैसे पे वो काम कर रहे हैं फिलिस्तीन के साथ, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह।